नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरें। हिमाचल प्रदेश में आज दिन भर क्या कुछ खास रहा, पूरी जानकारी आपके साथ ही साझा करेंगे। लोहड़ी पर कर्मचारियों को सौगात, जी हां, लोहड़ी पर कर्मचारियों को सौगात दी गई है, पूरी खबर आपके साथ ही साझा करेंगे। युवाओं के लिए नौकरी का मौका, जी हां, युवाओं के लिए नौकरी का मौका है, क्या नौकरी है, कहां पर इंटरव्यू देना पड़ेगा, पूरी खबर आपके साथ ये भी साझा करेंगे। सीमेंट ढुलाई के रेट फाइनल कर दिए गए हैं, पूरी खबर आपके साथ ही साझा करेंगे। तो ये हैं आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि आपके साथ सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और एनएसडी न्यूज को स्टार भेजें ताकि हमें आपका सहयोग मिले और हम इसी उत्साह के साथ हर दिन हर खबर से आपको रूबरू करवाते रहें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोहड़ी के पर्व पर प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की सौगात दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की बहुप्रतीक्षित पहली बैठक शुक्रवार को राज्य सचिवालय में हुई। इसमें कांग्रेस सरकार की पहली गारंटी यानी पुरानी पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग के आवंटन के बाद कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल और विक्रमादित्य सिंह के साथ अटैच रहेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को संजय अवस्थी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की निगरानी में देखेंगे। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा धनीराम शांडिल और लोक निर्माण विभाग का जिम्मा विक्रमादित्य सिंह को सौंपा है। हिमाचल के अटल टनल से वाहनों की आवाजाही एक बार फिर बंद हो गई है। मनाली केरांग हाईवे भी बंद कर दिया गया है। गुरुवार रात को अटल टनल के पास 1.5 फीट ताजा बर्फबारी होने के कारण रास्ता ब्लॉक हुआ। एसपी लाहौल स्पीति मानव वर्मा ने बताया कि अटल टनल से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। हिमाचल की रणजी टीम के खिलाड़ी 28 वर्षीय सिद्धार्थ भारद्वाज का निधन हो गया है। वे ऊना जिला के बसदेड़ा गांव के रहने वाले थे। सिद्धार्थ पिछले कुछ समय से बीमार थे और गुजरात में बड़ोदरा के अस्पताल में एडमिट थे, जहां उन्होंने गुरुवार रात को अंतिम सांस ली। तेज गेंदबाज सिद्धार्थ भारद्वाज के निधन की खबर से गांव में माहौल गमगीन है। हिमाचल के ऊना जिला में स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं। इस दौरान श्रद्धालु मंदिर में माता रानी के दर्शन करते हैं और हवन पूजन जो है वो करवाते हैं। वहीं अब चिंतपूर्णी मंदिर में हवन कराने के इच्छुक श्रद्धालुओं को हवन की परमिशन के लिए वहां भटकना नहीं होगा, क्योंकि अब मंदिर न्यास चिंतपूर्णी द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर न्यास की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। हिमाचल के शिमला में क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में एमएस इवान सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर और एचआर की खाली सीटों के लिए आवेदन मांगी गई है। 270 सीटों के लिए हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के युवक आवेदन कर सकते हैं। मशोबरा में 17 जनवरी को, सब ऑफिस ठियोग में 18 जनवरी और सब ऑफिस सुन्नी में 19 जनवरी को सुबह 10:30 बजे कैंपस इंटरव्यू लिए जाएंगे। हिमाचल के ऊना जिला में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 109.62 ग्राम चरस और 10.16 ग्राम चिट्टा पकड़ा है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दोनों मामले में पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एसपी अरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में दोनों मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड किया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नए वित्त वर्ष के बजट से पहले विधायकों की प्राथमिकताएं जानने के लिए तिथियां तय कर दी हैं। उन्होंने 30 और 31 जनवरी को एमएलए प्रायोरिटी को सचिवालय में बैठक बुलाई है। इसमें सभी एमएलए से उनके चुनाव क्षेत्र से जुड़ी प्राथमिकताएं पूछी जाएंगी। हिमाचल सीमेंट फैक्ट्री विवाद को सुलझाने के लिए सब कमेटी ने सीमेंट ढुलाई के नए रेट फाइनल कर दिए हैं। इसे अंतिम मंजूरी के लिए सीलबंद लिफाफे में सरकार को सौंप दिया गया है। सीमेंट ढुलाई के नए रेट सब कमेटी ने प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम को कल देर शाम को बंद लिफाफे में सौंपे। हिमाचल की जिला मंडी में सुंदरनगर के अंतर्गत आने वाले डहर क्षेत्र के डहर त्रिफाल घाट संपर्क मार्ग पर 2 कारों की टक्कर हो गई। हादसा ग्राम पंचायत बरोटी के नमोड़ में हुआ। हालांकि मामला आपसी समझौते से निपट गया, लेकिन दोनों गाड़ियां काफी क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज सुपर भारत के साथ।
भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।